मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मौसम देखो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है यहाँ पे। और अभी अभी मैं नहा करके पूजा करके आई हूँ, अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। दक्षिता जग गई है लेकिन अभी ब्रश नहीं किया उसने, अभी पोछा लग रहा है एक्चुअली, तो अभी वो आएगी थोड़ी देर में नीचे। मैं जा रही हूँ, तब तक पोहा खाने का मन कर रहा है। मैं जा रही हूँ पोहा बनाने, पराठे भी बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पोहा नहीं पसंद है, तो पोहा बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। सब्जी बन गई होगी, अंजनी बना दी होगी, तो अभी चलिए चलते हैं नीचे। और सर्दियों में यही होता है, कितना भी कर लो लेट हो ही जाता है। 9 बज के बस किचन में आके सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी चाय एक तरफ, और एक तरफ मटर छीले हुए पड़े थे पहले के ही, तो बस प्याज और मिर्च कट करके, और मैंने पोहा फटाफट से बना लिया था। साथ के साथ पराठे भी मैं एक तरफ बना रही थी और चाय भी बन ही गई थी लगभग, लेकिन फिर भी करते करते 10 बज ही गए थे। तो यही होता है ठंडियों में, चाहे कितना भी आप जल्दी करने की कोशिश कर लो लेट हो ही जाता है। और नाश्ता करते करते 10:30 हो गए थे बल्कि हमें। और पोहे में ना जब तक हरा धनिया नहीं रहता है मज़ा नहीं आता है, पर हरा धनिया फिनिश हो गया था तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। सिंपल बस मटर और पोहा, मतलब चिवड़ा जिसको बोलते हैं, उसका बना लिया था पोहा। और बस मसाले में बस मैंने नमक डाला था और हल्दी डाली थी, और थोड़ा सा मतलब हाफ टी स्पून के करीब ऐसे ही सब्जी मसाला पड़ा था वो डाल दिया था। बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ। बस ये हमारा पोहा बनके तैयार था, और ये रहा हमारा आज का नाश्ता, पोहा और चाय। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बस नाश्ता वाश्ता करके फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि नीचे का तो हो जाता है पर ऊपर का मैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद ही जो भी काम रहता है वो सब करती हूँ। और आज बच्चों को नहलाना भी था, और आराध्या ने तो नहा लिया था पहले ही। दक्षिता को मैं बोल रही थी नहाने को, तो इन लोगों को खेलने से नहीं आज फुर्सत मिल रही थी। और बच्चों का क्या रहता है ना, एक बच्चा जो लेता है वही दूसरे को भी चाहिए होता है, तो बस इसीलिए मैं देख रही थी कहीं ये लोग लड़ाई ना कर लें साथ में। और बस अभी दक्षिता को नहला दिया था मैंने, 12:30 हो गए थे, लेट तो हो ही जाता है। अभी मैंने बताया ही जैसे सर्दियों में तो चाहे कुछ भी आप कर लो लेट होता ही जाता है हर एक काम में। और धूप होती है तो ठीक रहता है, लेकिन ऐसे मौसम में तो फिर नहीं समझ में आता है। और ये है स्वेटर पहनने में बहुत नाटक करती है, इसको बहुत मुश्किल से मैं पहनाती हूँ कुछ ना कुछ बहाना करके। परिता को बीच में बक बक करने की आदत पड़ गई है, तो इसको नहला के लाई हूँ। और धूप हल्की सी हुई थी, ब्लॉग तो मैंने खैर मॉर्निंग में ही शुरू किया था। नहीं बेटा छोड़ दो, ब्लॉग तो खैर मैंने मॉर्निंग में शुरू किया था, लेकिन फिर ना हल्की सी धूप हुई, नाश्ता वाश्ता कर रहे कहने लगता भी, तो मैंने फटाफट से पहले सारे कपड़े 2-3 दिन के धुले हुए हैं, इनफैक्ट मशीन में सूखे हुए भी हैं पर अच्छे से सूखे नहीं हैं, उन सबको मैंने वापस से डाला बाहर। फिर धूप चली गई, मौसम बिल्कुल खराब हो गया फिर से, और इसीलिए। लेकिन 2 दिन हो गया था दक्षिता को भी नहलाया ठंड में, क्या रोज रोज नहलाना बच्चों को है ना, तो आज फिर मैंने नहलाया। मशीन लगाई भी है मैंने, बल्कि अभी भी नहला दिया है अभी इसको, सब लोगों ने आज नहा लिया, बल्कि अभी बच्चों ने भी, सारे बच्चे नहाए हैं आज। और बस अभी इसको एक स्वेटर और पहनाना है, चोटी बनानी है, तब तक कपड़े वॉश हो ही गए होंगे मेरे, फिर उनको खंगाल करके सूखने डालना है। सूखेंगे क्या, लग नहीं रहा ऐसे सूख पाएंगे। अच्छा दिलाऊंगी, बहुत बहुत बहानों के साथ तो बच्चों को कपड़े पहनाने पड़ते हैं, पहनना ही नहीं चाहते हैं बच्चे तो, बस एक पहन लेगी फिर कहेगी रहने दो, इतने पे ही रहने दो। खाना बना रही हूँ हीटर से खाना बन रहा है, देख लो। ऐसे करने वाला उससे बना रही हूँ। गाइस, हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये तू कौन है? ये इंस्टाग्राम रील्स देख देख करके इसको सारी एक्टिंग आती है ये सब। चले दक्षिता चोटी बना दे आपकी। नो। क्यों? ऐसे ही रहने दो। एक और स्वेटर पहना दूं? नहीं, पहनना नहीं चाहती है ये स्वेटर।
बहुत बहाने से पहनाना पड़ता है। अभी मैंने झूठ बोला कि अभी चलेंगे घूमने तब पहना है इसने। इसका चेहरा देखो। चलोगे? चलोगे कहाँ? घूमने। और अभी मुझे सारा काम निपटाना है। कंबल वगैरह तो मैंने तय करके रख दिया था। अभी पूरा बिस्तर वगैरह सेट करना है। झाड़ू पोछा हो गया था। सारी क्लीनिंग एक बार करनी है। और बीच में मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मैं काम में ही ज्यादा बिजी हो गई थी। उसके बाद मुझे जाना था कहीं बर्थडे में। फिर चाय भी फटाफट से बनाई मैंने, उसके बाद ही गई थी। तो शाम के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और अभी रात के बज गए हैं 10, बजने वाले हैं 5 मिनट, बस कम है। और अभी खाना वाना खा करके आ गए हम लोग ऊपर। रक्षिता स्लीपिंग बैग लेके खेल रही है। स्लीपिंग बैग बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रही है। देखना कितने बच्चे हैं। अच्छा ये हैं बच्चे। इन बच्चों को ये ट्यूशन छोड़ने जा रही है। देखो ये सो रहा है और ये नहीं। ओ गिर गई हमारी गुड़िया, गिर गई। बस अभी आ गए ऊपर। और डिनर में बना था फिश और रोटी, और मैंने बस पकोड़े खाए थे एक, ट्राई किया था बस ऐसे ही। वैसे मुझे फिश खाना पसंद नहीं है, बस ऐसे ही खा लिया था मैंने आज। और अभी जा रहे हैं सोने, काफी लेट हो गया है। और मूवी वगैरह देख रहे थे ऐसे ही। शाम को बर्थडे में गई, फिर वहां से आई, फिर काम में ही रह गई थी। नीचे ही थी, मतलब ऊपर आने का टाइम ही नहीं लगा। तो अभी अब आई हूँ और आकर के पहले कपड़े फैलाएं जगह जगह ताकि कुछ मतलब ऐसे ही हवा लगता रहेगा। जो भी तो नहीं खिलाया। अच्छा कोई बात नहीं, वो खाना नहीं खाएंगे। और अब खाई तो हो खाना, खाई हो ना? फिर कह रही है खाना नहीं मैंने खाया। अभी इसको जबकि खिला करके लेके आई हूँ। और सुबह और रात में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, शाम से ही, मतलब 6-7 बजे से। बीच में दोपहर में 11 बजे के बाद ठीक रह रहा है, बेशक धूप ना हो पर ठीक रह रहा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो रहा, खैर बहुत ज्यादा ठंड नहीं। अच्छा रहने दो, अब क्या वीडियो बनाऊंगी। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो प्लीज कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक नए वीडियो या नए ब्लॉग में। अभी वैसे भी पोटी नहीं आया, आप अपलोड कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। आप भी सो जाओ।